आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल के अंदर हम कोई भी डेट इनपुट करते हैं तो हम डालते तो हैं सपोज दैट 27 मार्च है आज 27 मार्च 2019 बट वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो क्या होता है, पहले वो हमें मंथ डालना पड़ता है, फिर डेट डालना पड़ता है, फिर ईयर डालना पड़ता है, तब वो डेट के फॉर्मेट में लेता है, अदरवाइज वो नहीं लेता। जैसे कि हम देख लेते हैं एक्सेल, तो मैंने एक्सेल ओपन कर लिया, ठीक है, मैंने यहाँ ओपन कर लिया, यहाँ से मैंने इसको शॉर्ट डेट कर लिया, यहाँ पे मैं डालता हूँ 2 तारीख पहला महीना 2019। तो ये 2 तारीख पहला महीना 2019 ही लिया, बट अगर आप अपने एक्सेल में ये चीज करेंगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा मैं वो दिखला देता हूँ। और इसको मोर इन्फॉर्मेशन में आपको मैं ज्वाइन कर दिया रिमेंबर के लिए। आप जब भी टाइप करेंगे तो आपके पास यू, जब भी आप 01019 टाइप करेंगे आप 2019, तो आपके पास आउटपुट ये ना आके आउटपुट आएगा, जो आउटपुट आपके पास कम होगा वो होगा आपका 01021 02। चाहे आप ये करके देख लीजिए क्योंकि ये ही स्टैंडर्ड फॉर्म लेता है। और ये किस तरीके से करते हैं हम इसे आज की वीडियो में यही हम सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं विजय यादव अपने एसआर का ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि हमने यहाँ पे डेट डाल लिए थे 2 जनवरी 2019, तो 2 जनवरी 2019 ही आ रहा था। अब हम फिर दोबारा डालते हैं 2 जनवरी 2 तारीख पहला महीना 19, तो ये फरवरी हो गया। यही होता है हमारे साथ, और इसका सॉल्यूशन क्या है वो आप देखते हैं हम कैसे करते हैं हम इसको सॉल्व। सबसे पहले हमें उसके लिए चाहिए विंडो विस्टा और 7 के अंदर ऑप्शन अलग होते हैं, हमें क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजनिंग चाहिए, और मैं भी यूज कर रहा हूँ विंडो 8, तो मैंने विंडो 8 भी मैंने इसमें कर दिया है। ये पीडीएफ मैं जो भी फाइल है ये मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसमें पीडीएफ होगी आप इसको देख सकते हैं, लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम जाएंगे माय कंप्यूटर पे, विंडोज की के साथ ई प्रेस करेंगे, माय कंप्यूटर हर किसी को पता है कैसे ओपन होता है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे आता है कंट्रोल पैनल, अनइंस्टॉल में जाएंगे और यहाँ से कंट्रोल पैनल हम ले लेंगे, ये एक सिंपल तरीका है। नहीं तो हम सीधे सर्च बार में जाएंगे, वहां पर डालेंगे कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में आने के बाद, या फिर हर किसी को पता हो कैसे आप ये ओपन करते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। हमारा स्टार्टअप में क्या होता है, लार्ज आइकन में सॉरी कैटेगरी वाइज में होता है ऐसे, ठीक है। इसमें सिंपल सा ये है, इस पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। चेंज लोकेशन और चेंज डेट एंड टाइम, नंबर एंड टाइम, नंबर फॉर्मेट, इस पर जाना है। और इसके अंदर जो है हमें कुछ भी नहीं छेड़ना, सिर्फ हमें शॉर्ट डेट देखना है। शॉर्ट डेट का जो फॉर्मेट है मंथ डेट ईयर है, उसको हमें डेट मंथ ईयर करना है। इसमें अलग अलग तरीके के हैं, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिख जाएगा किस तरीके से है। पहले मैं दिखा देता हूँ कैसे था, पहले जो है हमारे पास आ रहा था ये मंथ डेट फिर ईयर, लेकिन इसके बाद क्या है, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर, और इसको अप्लाई करके ओके कर देना है और बाकी जितनी भी चीज़ें उसको क्लोज कर देनी है। और हम आ जाते हैं अपने एक्सेल शीट पे। अब मैं फिर यहाँ पे 2 तारीख पहला महीना 2019, चाहे पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख लीजिए, और ये 2 जैन ही हुआ है। फिर दोबारा मैं आपको एक बार टाइप करके दिखाता हूँ, डेट कोई दूसरी ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं हम 4 तारीख 4/1/19, तब भी हो रहा है। अगर इसके अलावा अगर मैं दूसरा मंथ भी कोई लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं लेता हूँ 6 तारीख 7वां महीना 2019, तो वो जुलाई दिखाएगा।
आज की वीडियो में सिर्फ बस इतना ही था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम एंट्री करते हैं डाटा में, एंट्री करना चाहते हैं, हमारे को फॉर्मेट याद होता है, हमारे जो इंडियन के अकॉर्डिंग होता है वैसे ही होता है, तो हम टाइप करते हैं कुछ और आता है कुछ और, या जब ये में सर्च करने जाना होता है तो। और आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी, आई होगी वीडियो, अगर आपको पसंद